हेलो एंड वालेकुम टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स और दियर कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे मज़े में होंगे सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अनदर हेयर रूट टच अ वीडियो विद डार्क ब्राउन शेड एंड बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यू वीडियो इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट एंड मेक इट वन थाउजेंड सब्सक्राइबर चैनल प्लीज़ इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट and today i'm going to make a intense premium hair color olivia 2.0 dark brown shade i'm going to just uh, give a root touch up on my roots here so yeah actually i am in very hurry right now so i'm going to apply this uh, olivia dark brown and uh, uh, this uh, box contains this cream developer gloves hairbrush and conditioner as well so अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट होने वाला है मैं अप्लाई कर कर आप लोग को बताती हूँ और बहुत अच्छा इसका रूट टचअप होता है आप लोग पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं नो हार्म टू आर हेयर्स कोई हार्म नहीं होता मुझे तो अब तक कभी नहीं हुआ एंड uh, कोई मेरी ग्रोथ पर हेयर ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बहुत अच्छा मुझे ये लगता है ओलिविया इंटेंस प्रीमियम हेयर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और टू डार्क ब्राउन बहुत सूटबल रहता है इट suits to all the Asian girls especially Asian girls and ke Boho that's a suitable rather so I'm gay, I'm going to use this maximum amount of this cream as much as I needed this so according to my hair length as you all know according to my hair length according to my need I'm using this and will add some kind of developer also so yeah this is a developer और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है अंदाज़े से और मेरा इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत आउट क्लास आता है बेहतरीन आता है कभी हार्म नहीं किया इसने मेरे बालों को ठीक है और मेरी आप लोगों से यहीं पर अम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बेहतरीन माशाल्लाह व्यूज़ आते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दिए कर दिया करें बहनों किसी का भला हो जाएगा और क्या कहते हैं इस तरह की वीडियोस और आती रहेंगी कमेंट कर लिया करें जो भी आप लोग को कमेंट में क्वेश्चन होता है मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ ठीक है तो मुझसे बहुत सारी ख़वात ने यह भी पूछा था कि आप अपना जो हेयर ट्रीटमेंट है प्लीज़ वो शेयर करें क्योंकि आप लोगों को पता है जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देती हूँ जो फर्स्ट टाइम है चैनल पर कि आई ऑलवेज डू माई हेयर ट्रीटमेंट बिफोर अप्लाइंग माई हेयर कलर और हेयर टू रूट टचअप मैं हमेशा कुछ ना कुछ हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर करती हूँ अपने बालों पर जब मैं अपने रूट टचअप करती हूँ हेयर ड्राई अपने बालों को करती हूँ या करवाती हूँ सैलॉन से तो इससे आपके बाल एक तो मैनेजेबल रहते हैं और आपके बालों पर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आता है सो दिस इज़ माई ओरिजिनल कंडीशन ऑफ हेयर ये देख लीजिए मेरे रूट्स की क्या हालत थी ठीक है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने रूट्स पर इस तरीके से आप इवनली स्ट्रोक से अप्लाई करें दिस इज़ द ओरिजिनली हेयर रूट टचअप वीडियो इस तरीके से हम हेयर रूट टचअप करेंगे आप लोगों ने देख लिया मेरे बालों का हाल रूट्स पर बहुत ज़्यादा नीट है और मुझे जल्दी जल्दी भी अप्लाई करना है और मुझे इसका रिजल्ट भी जल्दी चाहिए तो अब आप लोग एक घंटे के अंदर अंदर देख लीजिएगा इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत प्यारा होने वाला है सही है ना तो बस मैं आप लोगों से यही कह रही थी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ज़रूर आप लोग शेयर किया करें और हाँ तो मुझसे ने खातून ने पूछा था कि आप अपने हेयर ट्रीटमेंट क्या करती है तो मैं अपना हेयर ट्रीटमेंट में दही और ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल मिलाकर अपने बालों में मसाज कर लेती हूँ ठीक है एक ये है एक अंडा और दही में ला लेती हूँ दही मस्ट है विच इज़ द बेस्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट ऑफ योर हेयर्स दही अगर योगट आपने अपने बालों को दे दिया आप समझे आपके बाल वेल नरिश्ड हो जाएंगे ठीक है बहुत अच्छी नरिशमेंट ये आपके बॉडी को वो आप सॉरी आपके हेयर्स को बहुत फुली नरिश कर देते हैं ठीक है आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है योगट सही है और ये मेरे अब मैंने इस तरीके से रूट टचअप कर लिया आप लोग देख सकते हैं पार्टिंग्स कर कर बारीक बारीक पार्टिंग्स कर कर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप आ, हैवी पार्टिंग कर कर लगाएँगे तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है ठीक है तो मैं बारीक बारीक से अपनी सेक्शंस कर रही हूँ बालों के पतले पतले से ये मेरे साइड्स पर मैं लगा रही हूँ साइड पर देखिए बहुत ज़्यादा नीट है हेयर दूरता की तो ये मैं लगा कर उसके बाद मैं आप लोगों को रिज़ल्ट भी इसका दिखाऊंगी और जहाँ जहाँ इसके स्टेन्स आ जाएंगे फॉर पर या साइड्स पर तो वो भी हम इजीली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर या विद द हेल्प ऑफ डिटॉल वाटर ठीक है इस तरीके से देख लीजिए मैं अब रूट टचअप कर रही हूँ पूरा साइड पर ये हाफ हेयर डन हो चुका है मेरा और बस अब जल्दी जल्दी अप्लाई करना है क्योंकि मेरे पास आई डोंट हैव मच टाइम टू वेट जल्दी जल्दी अप्लाई करना है क्योंकि हमें इसको थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है सही है ये देख लीजिए मेरे बालों की हालत अब मैं फ़टाफट फटाफट जल्दी -फटा देखें हैवीली स्ट्रोक्स लगा रही हूँ बट बारीक सेक्शंस लिए पतले सेक्शंस लिए हैं तो उस पर एक तो कलर इवनली स्प्रेड हो जाता है सबसे जो अच्छी बात है और आपके बाल बहुत आपका वन टोन रहता है कोई आपके बालों पर ऐसा नहीं लग रहा होता कि आपने कलर लगाया है ठीक है अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी ना सही है और ये देख लीजिए मेरे बालों की हालत मैंने फुल कलर अप्लाई कर रख दिया है एंड आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर वन आवर सही है जैसे मैं हमेशा छोड़ देती हूँ ये पूरे मतलब पूरे रूट्स पर लगाया है तो ऑब्वियसली जब व्हेन वी कोम द हेयर्स तो ये इवनली स्प्रेड पूरे बालों पर हो जाते हैं बट आई अप्लाई दिस ऑन माई हेयर्स रूट ओनली ठीक है सो दिस इज द original condition after hair wash of my hairs look at this, this is so full of nourished hairs. ये देख लीजिए आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बहुत मैं हमेशा सेटिस्फाई होती हूँ इस रूट टचअप से आप सॉफ्ट हो गए हैं सिल्की हो गए हैं और बहुत मैनेजेबल है हमेशा हेयर ट्रीटमेंट के बाद अगर आप कलर लगाएंगे बहुत अच्छे बाल होते हैं और बाल टूटते भी नहीं हैं आप माशा मेरे हेयर ग्रोथ चेक कर सकते हैं बहुत हेल्दी हैं बाल मेरे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो अच्छी लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर शेयर करें डू टेक अल्लाह हाफिज़